हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो टुडे आई वाज क्लीनिंग माय ड्रेसिंग टेबल। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग करूँगी। जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं सारी निकाल के बाहर फेंकूँगी, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल पर आई वाज फीलिंग लाइक काफ़ी मेस जमा हो गया। और ये मेरा ग्लासेस क्लीनर है और ये तो ऑब्वियसली मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रहेगा। तो जो अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ें हैं ना, मैंने कहा था कि मैं सारी निकाल के बाहर फेंकूँगी, तो आज मैं वही कर रही थी। और साथ साथ मैंने सोचा कि भाई अपना ब्लॉग भी बना लेती हूँ और ब्लॉग भी बन जाएगा, क्लीनिंग भी हो जाएगी। और ये शैम्पू का साशे आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट्स कम, लेकिन ये मेरे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था तो इससे भी मैं रख लेती हूँ। और बाकी मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है ना, इसे लाजमी हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, लेकिन इस पर लाजमी कोई पेपर कोई कपड़ा मारा करे। देखिए जगह वेट पड़ी हुई थी। सुबह मैंने क्योंकि फ़ेस वॉश किया था तो वो वेट था, तो उससे मेरी ये जगह भी वेट पड़ी हुई थी। और यहाँ ना मैं एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। अगर तो आपके पास ये छोटी मोटी ज्वेलरी है, इयरिंग्स है जो आप कहीं आते जाते वक्त पहनते हैं, तो उसको ना इसी तरह एक कोई स्मॉल सा बॉक्स ले लें और उसमें रखें, क्योंकि नॉट हैवी, लेकिन जो छोटी मोटी ज्वेलरी है ना वो आपके पास ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सामने ही पड़ी होगी, तो अपने लिए आसानी पैदा करें। जैसे मैंने पैदा की हुई अपनी सारी छोटी मोटी ज्वेलरी मैंने एक स्मॉल से बॉक्स में ला के रखी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है, ये वाली जो क्रीम है, ये डब्बा ख़त्म हो चुका है बट स्टिल इट्स ऑन माई ड्रेसिंग टेबल। तो इसको अब हम फेंकेंगे डस्टबिन में। और एक चीज़ तो मैंने निकाल के फेंकी और ये इतना बड़ा बॉक्स है और ये भी ख़त्म हो चुका है। ये इतनी बड़ी चीज़ ने इतनी ज़्यादा जगह घेरी हुई थी और ये ख़त्म हो चुका है, इट्स फिनिश। और ये अभी तक मेरे ड्रेसिंग टेबल पर था और इतना बड़ा बॉक्स है, इसने इतनी ज़्यादा जगह भी ली हुई थी। तो अभी ये भी जाएगा डस्टबिन में। और इसके अलावा आई एम लुकिंग कि बस मुझे कुछ और भी नज़र आए। अपना ही ड्रेसिंग टेबल मुझे वैसे खाली अच्छा लगता है, इस पर इतनी ज़्यादा फालतू चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती और ना ही मैं इतनी फालतू चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन जो कुछ यूज़ की हुई अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने ड्रेसिंग टेबल पर जगह घेरी होती है। तो लाजमी ये ना, आप ये चीज़ किया करें, काम किया करें। और ये देखिए, ये मेरा ग्लासेस क्लीनर, ये भी ख़त्म हो चुका है बट स्टिल इट्स ऑन माय ड्रेसिंग टेबल। ये भी ख़त्म हो चुका है तो इससे भी अब मैं फेंक दूँगी। और इतनी फालतू चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, ये भी आई थिंक ये लिप बम भी ख़त्म हो चुका है। लेट मी चेक। हाँ, ये ख़त्म हो चुका है एंड स्टिल इट वाज ऑन माय ड्रेसिंग टेबल, जो बार बार मुझे इतना तंग करता था, बार बार नीचे गिर जाता था और मैं इसे बार बार उठा कर ऊपर रखती थी। और ये ख़त्म हो चुका है। तो इतनी अनवांटेड चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि मैंने निकाल के फेंक दी। और यहाँ ये फालतू की पिन्ने भी आज मैं निकाल के फेंकूँगी। तो यहाँ साइडों से तो मैं लाजमी अब साफ़ करती हूँ। पहले मैं साफ़ नहीं करती थी और मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ होता था और जो मेरा मिरर और ये साइड से जो ये चीज़ें होती थी ना, सारी गंदी होती थी और इतना बुरा लगता था। तो अब तो मैं अपना मिरर भी साथ साथ साफ़ करती हूँ। तो वैसे अगर आप वीक में 2-3 दफ़ा अपनी ऐसी ड्रेसिंग टेबल की सफाई करें ना, तो इसका बहुत फ़ायदा है। यहाँ मैं थंबनेल के लिए पोस्ट ले रही थी। इससे क्या होता है, आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और 2-3 मिनट में आपका ड्रेसिंग टेबल आपकी सफाई भी हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब यहाँ मैंने हार्डली मुझे कितना टाइम हुआ है। और यहाँ मेरा लाइक टिश्यू पेपर भी देखिए ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि साफ़ है। मैं इसे वीक में 2-3 दफ़ा तो इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो ये जगह भी साफ़ है। तो यहाँ से जो अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें थी वो सारी मैंने निकाल के बाहर फेंक दी। और आज मैंने सोचा कि भाई इसकी क्लीनिंग के साथ साथ अपना व्लॉग भी बना लूँगी, मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। और यहाँ पर अब ये चीज़ पड़ी हुई, आई डोंट नो ये क्या है बट मैं इसे फेंकूँगी नहीं, बिकॉज हो सकता है कि किसी ने रखा हो, तो मैं अभी इसे फेंकूँगी नहीं। बाकी जो थी अननेसेसरी चीज़ें वो मैंने फेंक दी और अब मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं एक टिप शेयर करूँगी। ये तो मेरा फेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इसी तरह का सेम जो है एक और है जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था। अच्छा, ये वाला इसमें अभी भी थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर लाइक पड़ा हुआ था। फेस वॉश तो मेरा दिल नहीं माना फेंकने के लिए। मुझे था कि मैं इसको ना पेडिक्योर के लिए यूज़ कर लूँगी, क्योंकि जो पुराना फेस वॉश है, आप उससे अगर आपके पास स्टिल पड़ा हो तो आप उसको फेंका मत करें ये सोच कर के एक्सपायर हो गया। आप उसको एज अ पेडिक्योर में भी यूज़ कर सकते हैं। लोग पेडिक्योर में भी जो अपने पुराने फेस वॉश होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। तो मैंने रखा था कि भाई चलो मैं पेडिक्योर करूँगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर हाँ, एक और समर्स के लिए मैं ये गोल्डन पर्ल का दिखाना चाहूँगी। अगर तो वैसे अगर विंटर्स में समर्स में अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो मैं आपको ये वाला फेस वॉश रिकमेंड करूँगी कि ये यूज़ करें, क्योंकि मैंने अभी ये पीछे समर्स में लिया था, तो क्योंकि तब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली थी, अब तो खैर काफ़ी ड्राई है, तो ये मैं समर्स में यूज़ करती थी। तो यहाँ पर हाँ, बाकी सारी फालतू चीज़ें, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने निकाल के बाहर फेंक दी हैं। एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र है आज ये काम भी हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।